From Ecuador? Ecuador, yes. Yeah, North South America. South America, wow. So nice, huh? So nice music. Oh, I like you. टाइम हो चुका है शाम को 5:30 बजे और इतना ठंड लग रहा है अभी फिलहाल. हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेवी के हेडक्वार्टर है, रशियन नेवी का. ठंड काफ़ी लग रहा है लेकिन मुझे ये हुडी ज़्यादा काम नहीं कर रहा है. How much is dolls? Different price. This one? Is 10 pieces inside, 2,200 rubles. And the small one? 5 inside, 450 rubles. Okay. 2,000 for big one. Hmm? Kashmir. Kashmiri shawl? Kashmir. Okay, okay. Kashmiri shawl bik raha hai. Are 1000 real ka aspas. मतलब अराउंड 1100 रुपये के आसपास. मैंने उसको टच किया, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा, शायद ओरिजिनल हो, कह नहीं सकते. बट ये सुन के अच्छा लगा कि कश्मीरी शॉल यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में. काफ़ी लोग मुझे यहाँ मिले जो लोग हम जानते हैं योगा को. यहाँ पे बहुत लोग ये फॉलो करते हैं एंड बहुत लोग हिंदुइज्म को भी मानते हैं यहाँ पे. मानते मतलब उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है. और लगभग सभी लोग जानते हैं जो लोग टूरिस्ट जगह में हैं. नमस्ते, योगा, ऑल दिस. देख कर लग रहा है ये रहा वो ब्रॉन्ज स्टैच्यू पीटर द ग्रेट, जिनके नाम पे ये शहर बसा हुआ है. काफ़ी बड़ा स्टैचू है, नीचे एक सांप को या अजगर टाइप का कुछ लग रहा है उसको कुचला हुआ है, घोड़े के पैर ने उसको कुचला हुआ है. और यहाँ पे नीचे लिखा है 1782 में बनाया था उसको. वाओ, सेंट पीटर्सबर्ग के एक खास बात मैं बता दूं, टूरिस्ट अट्रैक्शन सब एक बहुत क्लोज है वॉकिंग डिस्टेंस पे. सब कोई 3 सेंटीमीटर, 1/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 या 3 किलोमीटर. तो काफ़ी सारा चीज़ें आप एक दिन में घूम के देख सकते हो. हाँ, अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा, लंबा लाइन है, उसका टिकट ले लो फिर अंदर जाके घूम के देखो. बट अगर आप पूरा शहर आपको देखना है, बाहर से सारा जो बिल्डिंग, पुराना जो बिल्डिंग है वो सब चीज़ देखना है जो इनका मेन अट्रैक्शन है, तो काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ यहाँ देख सकते हैं.
अरे वाह वहाँ देखो वहाँ पे पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बट वहाँ पे एक ये लगी हुई है सबमरीन। ठीक है चाय चाय फिर जब तक हम उसको बोलते कि भाई इसमें थोड़ा दूध डालो दूध डालते हो कि नहीं उसने बना के दे दिया 70 अब जो दिया है पियो भाई भाषा समझ में नहीं आने का कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है अरे हम लोग कभी यहाँ से हॉस्टल जा रहे हैं हाथ कांप रहा है इतना ठंडा हो रहा है तो मन किया कि चाय थोड़ा पीते हैं और उसको बोले कि दो चाय दो और एक चीज मुझे समझ में आया वो पूछ रही थी कि साखरा मतलब शक्कर बोलते हैं हम लोग साखरा वही चीज मुझे अच्छा, आया और चाय के लोग चाया बोलते हैं चाय बोलते हैं Boats, so we are arranging some boat trips through this river, through the... You are from Sri Lanka and I'm studying here. Studying here? Yeah. Okay, you're a student. Yeah. And this is part-time job? Huh? Part-time you're doing? Okay. Oh. So, nice to meet you, you know. Yeah. My name is Saroj. My name is German. German? Da. What are you studying here? I'm studying engineering. So we just saw and maybe we are from India. Namaste. Namaste. जब मैं गया उधर घूमने के लिए ये लड़की तभी खड़ी थी लगभग दो घंटा पहले अभी मैं आ रहा हूँ वापस तभी खड़ी है इस कड़ाके के ठंड में ये खड़ी है पूरा एकदम कोई कॉलेज की लग रही है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपना कुछ पैसा बनाने के बस देख के लग रहा है ये वॉशरूम है बस को शायद वॉशरूम बना दे मेल का है वो फीमेल का है वाह अच्छा एक सुपरमार्केट आए हैं वहाँ पे कुछ सामान लेके जाएंगे तो अपने हॉस्टल में बना के खाएंगे टमाटो है 87 कैप्सिकम 255 अरे एप्पल यहाँ बहुत सस्ता है 22 मतलब अराउंड 25 रुपीज़ एप्पल ग्रीन एप्पल देखो ओनली 19 ग्रीन एप्पल हम लोग 100-200 रुपये में ख़रीदते हैं मिनिमम यहाँ पे सिर्फ 20 यानी 25 रुपये के आसपास है आलू महंगा है 160 हम जा रहे हैं हमारे हॉस्टल की तरफ अभी हमने सुपरमार्केट से कुछ सामान उठाया लगभग दो दिन का खाने का सामान पानी वानी अभी बहुत कुछ हम लोग को पड़ा अराउंड 550 या 500 रुपये के आसपास 600 रुपये के आसपास जो कि हम लोग का डेली का खर्चे का आधे से चौथा से भी कम है मतलब एक चौथाई खर्चा होगा अभी थोड़ा बहुत बढ़िया से सेंट पीटर्सबर्ग में हम लोग कल रात 12 बजे आए थे और आज हम लोग का पहला दिन है पिछले 4 दिन से हम लोग रशिया में हैं
बाहर का खाना खा कर पक गए। तो हम लोग आज पहली बार थोड़ा यहाँ पे कुक किए हैं, दाल राइस टमाटो और आलू मिला के, और क्या है इसमें सॉल्ट और घी डाल के खिचड़ी टाइप का बना लिए हैं। बेबी को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। ये लैपटॉप दिखा रहे हैं, लैपटॉप देख के वो खुश है। और बस ये 4 दिन से हमारा इंडियन खाना, पहला इंडियन खाना रशिया में खा के ये बहुत बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है ना। रशिया में ढूंढ के मॉस्को में एक बार एक जगह गए थे, जगन्नाथ बोल के एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का बनावट, अंदर का डिजाइन वगैरह सब कुछ इंडियन था, लेकिन खाना इतना मजा नहीं आया हम लोगों को। अरे ये अच्छा लग रहा है।